तेरे लाख का, तो क्यों बताया ना? समझ रहे मेरी बात? अरे जब अपना होटल नहीं है तो अपना खूब होटल को बता, इंपीरियल अच्छा है, अथर्व अच्छा है, ऐसा लगा जैसे अपना अपना। क्यों बता रहे मालूम? क्योंकि यहां जाके कभी नहीं अथर्व में गए हैं, खाया होगा तभी तो बता रहे ना। अगर नहीं गए तो बता सकते थे क्या? ये नहीं बता सकते थे। इसी तरह से आपको पहले अनुभव लेना होगा। सेल्समैन नहीं बनना है, मेंबर पकड़ो आंदोलन हम नहीं छेड़ रखे हैं, राइट? पहले दिन से आपको अनुभव लेना है। ले सकते हैं आप लोग? यस, गुड। इसके बाद कोई रिस्क है क्या? हां, कोई कहता साहब अगर नहीं चला तो अभी तक बाहर बाहर कुछ नहीं हुआ जिंदगी में, तो नहीं पूछ रहा था। यहां पे कुछ अगर नहीं चला तो अच्छा, मान लो तुमने नहीं चला बिजनेस, क्या लॉस होगा? कुछ भी नहीं होगा, लॉस होगा नहीं। हम लोग मुंबई में रहते तो मुंबई में 15 सीलिंग बना हुआ समंदर के ऊपर जाके बना ब्रिज, अगर तैरना नहीं आता कूद गया, मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। अगर बड़े से नाले में कूद जाए तो? हेलो, तो भी मरेगा, तैरना नहीं आता। और घर में कटोरी में छोटे से कटोरी में पानी भर के उसमें कूद जाए, मरने का रिस्क है? बदन गीला होगा? तो तुमने कुछ लगाया है? हेलो, लगाया है क्या? लॉस कहां से होगा? कहीं से नहीं होगा। लॉस होगा कहीं से भी? अगर किसी को लॉस हो जाता है अगर इस सर्विस स्टार्ट करने में, तो प्रेमराज जायसवाल अभी जिंदा है, जिंदा रहेगा तो ये सारी गारंटी मैं लेता हूँ। मुझसे बात करना आप लोग, कर सकते नहीं कर सकते हो? किसी को एक रुपए का कोई नुकसान नहीं होगा, खाली पर्चेस ही पॉइंट तो चेंज करना है। अरे कल मालवीय जैसे ले रहे थे दुकान से, आज जो महाकाल जैसे ले रहे, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? इसके बाद जब आपको ये चीजें समझ में आ गई, आपको लगा अच्छा लगा, तो दुनिया को बता सकते हैं कि बता सकते हो? अगर मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं, भाई कितने लोग जानते हो जो डेली नहाते हैं? नहाते बहन जी, आप तो पहली बार आए हैं, कितने लोगों को जानते हो जो डेली नहाते धोते हैं कपड़े धोते हैं? सभी लोग जानते हैं। हेलो, जितने नए लोग भाई लोग आए हैं, अपने दोस्त रिश्तेदार में नहाने धोने को जानते हो कि नहीं जानते हो? बराबर, ये 500,000 लोग बैठ जाओ बैठ जाओ। अब मान ये 500 लोगों को आप जानते हो, तो 500 लोग बता सकते हो नहीं बता सकते हो? और ये बताने में अगर आपकी अप्लाई जो यहाँ पे सीनियर हो मदद करे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और नहीं समझ में आया तो मैं फिर आऊंगा यहाँ बताने के लिए, बुला के ले जाना सबको इधर बिठाना। टर्नओवर कैसे बढ़ेगा? जब आप रजिस्टर्ड हो गए हैं तो आपके जितने भी रिलेटिव्स एंड दोस्त एंड फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, तो पैसा कौन कमा रहा है? आपके 500 दोस्त हैं मान लो, राइट? वो 500 में 500 लोग आज सुबह के ब्रश किए होंगे, दांत घसे होंगे, नहाए होंगे, तो पैसा किसने कमाया? आपने या हिंदुस्तान वाले प्रॉपर्टी के वाले डाबर वाले बाबा रामदेव ने कमाया? बाबा रामदेव ने कमाया कि नहीं कमाया? ये सारे रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, बाबा तो हमारे बाबा है, इसको कैसे ऐसा ही क्या छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते उनको, राइट? तो पहला काम करने का, आप सोचोगे उज्जैन में आपके पास फ्लाइट है, फ्लाइट और भाड़ा कोई और लेके जा रहा है, जाने दोगे क्या? नहीं, कोई भाड़ा कोई और लेके जाने दोगे? पूरी फौजदारी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन आज भी आपके 500 दोस्त हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, आज डेली सुबह के नारा धारा खाना पीना करते हैं, पैसा कोई और कमा रहा है, राइट? अब इनको हमने बता दिया, एग्जाम्पल लेते अगर आपने 100 लोगों को बता दिया, कितने लोगों को? 100 लोगों को बता दिया, 100 लोगों ने 3,000 रुपए का सामान लिया, कितने हजार का? अरे ले सकता है कि नहीं ले सकता? 3,000 का सामान ले सकता है। अगर यहाँ पे 3,000 सामान लिया तो 3,00,000 रुपए का बिजनेस आपका हो जाएगा, कितने लाख का? 3,00,000। ब्यूटीफुल बात क्या है कि 3,00,000 का बिजनेस करने में आपने कोई गोडाउन नहीं खोला, कोई दुकान नहीं खोला, कोई एम्प्लॉय नहीं रखा, अपना जो काम करते थे वो कर रहे हो, करते हुए 3,00,000 का बिजनेस हो गया। आपके अकाउंट में करीब 35,000 रुपए से लेके 40,000 रुपए तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बजा दो ताली। ये भाई साहब मिले मुझे, और भाई साहब क्या हाल है? इसको सबसे ज्यादा टेंशन है कि ज्यादा हंस क्यों रहा है? बराबर है कि नहीं? अब पक्का पूछेगा तू हंस क्यों रहा है इतना? क्या बताऊं यार, नहाने से आजकल पैसा आ रहा है। अरे ये कैसे? आज बैठ बता, बता सकते हो? बता सकते हो, खुश रहो, कर सकते हो, इतना ही करना है। अब इसके बाद अगर आपको 30-40,000 रुपए की इनकम आ गई तो किसी को सिखाना हो सिखा सकते हो? जो काम आप सीखे हो वह सिखा सकते हो या नहीं? सिखा सकते हो।
कितने लोग हैं जिन्होंने साइकिल चलाना जानते हैं? साइकिल चलाना सभी जानते हैं। पहली बार किसने जो है कि साइकिल पे सीधा गति पे बैठा था और सीधा हाईवे पे चला गया था? कौन है ये माइकल वाली बहन? अगर किसी ने हाथ उठा दिया ना तो समझ लेना मैं भी धरती पे ही इंडिया का ही हूं। पहले दिन ही गति पे बैठ के सीधे हाईवे पे चले गए थे। ऐसा कभी हुआ नहीं। जानते हो हमने क्या करते थे? हम गांव में रहते थे तो हमारे यहाँ पे कोई मेहमान आता था ऐसा बड़ा घर होता था, ऐसे स्टैंड मार के टैक्सी जाता था, तो हम लोग देखते रहते गया पकड़े साइकिल और फट से अंदर मारे कैंची 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 मारे कि नहीं मारे अब कैंची मार के शुरू होता था कि होता था कैंची मार के गद्दी पे चढ़े। सही की गलत याद है साइकिल चलाना तभी आप सीखे जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। हेलो ये रजिस्ट्रेशन क्या हुआ? जब तक घुटने में चोट नहीं लगी तब तक आपको साइकिल चलाना नहीं आया। अब जब सीख गए साइकिल चलाना सीख गए तो सिखा सकते हो कि नहीं? याद है हमें कितनी गलतियां कर करके सीखे? हमें मुझे याद है पीछे का करियर पकड़ने वाला बंदा कहता था आगे देख गोबर है वो कहता था आगे देख गोबर है और अपना जो पहिया होता था वो कहता था आगे देख। हम आगे नहीं देखते थे, हम लोग टायर पे देखते थे और बोलता था गोबर है। हमारा साइकिल टीप करके एकदम गोबर में ही जाता था। कितना अनुभव किया सही है ना? अरे सही अनुभव है सही कि नहीं? फिर भी ये गलतियां करने के बावजूद भी आज आपने साइकिल चलाना सीख लिया कि नहीं सीखे? इतना आसान है। कितनी बहने हैं जिन्होंने पहली बार रोटी बनाया तो रोटी एकदम गोल बनेगी? हेलो नहीं गोल बने फिर भी रोटी बनाना आ गया ना? क्यों? पहली बार याद है पहली बार जब बहनों ने जब रोटी बनाई होगी तो कैसे ऐसा लेते थे ऐसा तो रोटी घूमे ना घूमे बट पूरा तन बदन रोटी नहीं पूरा घूमती थी बदन घूमता था। आज का टाइम ऐसा है ऐसे खड़ी होती हैं खाली ऐसे करती हैं रोटी गोल गोल घूमती है। सही कि नहीं? सीखा कि नहीं? सीख गए तो सिखा सकते हो कि नहीं? और अगर कोई नहीं सीखने चाहे तो क्या करोगे? सिखा सकते हो क्या? सिखा सकते। अरे नहीं सीखना चाहते हो कैसे सिखाओगे? हाँ किसी ने नहीं सीखना चाहता साइकिल तो तुम किसी मिनट ऐसे सीख लेने रहे प्लीज अरे सीख लेने रहे साइकिल चला लेने रहे ऐसा करोगे तुम लात मार चल निकल नहीं सीखा। आगे चलते हैं पल्ले पड़ते कि नहीं? आज नहीं समझ में तो कभी नहीं समझ जाए। अब यहाँ पे जब 30,000 रुपए की आपकी इनकम आ गई है मान यहाँ पे आप एक लेवल है डायरेक्टर जब आपका लेवल बन जाएगा कितना अच्छा लगेगा आपको राइट? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं किसी भी कोई भी काम करते हो आप हाउसवाइफ है मान लो और आप अपने किसी फ्रेंड्स को कहते हो कि मैं प्रोजेक्ट पे काम करूँ जहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ कैसा लगेगा बोलने में? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे मैं तो देसी इंसान हूँ मैं मुंबई गया था तो मेरे को पहला लेवल दिया असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट नहीं बोलता था मैं लोगों को बोलता था मैं मैनेजर हूँ। क्या बोलता था? अच्छा लगता था मैं मैनेजर हूँ। डायरेक्टर आपने बोल दिया किसी को मैडम बहन जी आपने बोल दिया कि मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जहाँ मैं डायरेक्टर हूँ तो इनके घर वाले रिलेटिव जान पहचान और पहले ऊपर नीचे चार बार देखेंगे डायरेक्टर है क्या फर्क पड़ता है उसको क्या मालूम कि 5,000 आता है कि 50,000 आता है पटना छाती चौड़ा हो गया अपन डायरेक्टर है बराबर है कि नहीं बराबर है? बस इतना ही तो याद रखना है। सीख गए सिखा सकते हो। मान लीजिए एक बहन जी एक नाम बताइए जिसको आप मदद करना चाहोगे एक नाम आपकी जिंदगी में भगवान आप तो भगवान की ब्लेसिंग है। हाँ मैडम एक नाम बताइए सर। सुमति ये कौन है? मेरी फ्रेंड। आपकी फ्रेंड है। अगर सुमति यहाँ पे है और सीखना नहीं चाहते क्या करोगे? मना कर देंगे ना। कई बार लोग क्या करते हैं मानते बैठ जाए मानते नहीं उसी के पीछे लगे रहते तू नहीं तू कर ले रहे मेरी जिंदगी का सवाल है मेरे ड्रीम का सवाल है तू कर ले रहे कभी आर्थिक मात्र मेरे बच्चे तबीयत खराब है मैं दवाई लेके आती हूँ ना मेरे घर में बर्तन मैं भी बर्तन धो देती तेरी सब करूंगी लेकिन तू कर ले रहे ऐसा करेगी नहीं। याद रखना कभी भी किसी के पीछे पड़े तो तुमको 7.5 लग जाएगी। साला उसकी बहन मेरे घर है तो कैसे ना बोलेगा साला राइट? तो साले के पास गया सारा कुछ समझाया सब कुछ समझाने
बाद साला बोलता है अरे यार मैं साबुन तेल बेचूंगा। मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है? बोला मेरे स्टेटस का क्या होगा? वो कहा इंस्पेक्टर है, साला मेरा इंस्पेक्टर है। मैंने कहा तो प्रॉब्लम क्या है, तेरा स्टेटस ज्यादा है कि अमिताभ बच्चन का? उसने कहा अमिताभ बच्चन का। मैंने अमिताभ बच्चन क्या बेचते हैं? बोला साबुन तेल। मैंने कहा साबुन तेल अरबपति बन के बेचता है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू भी बेच। साला फिर भी नहीं सुना, साला भी नौकरी कर रहा है और जीजा रिटायर होकर घूम रहा है। साला अब समझे? अगर आप लोग भी बिजनेस देख रहे हो समझ में आ रहा है, अगर आप लोग का भी साला अगर नहीं कर रहा हो अगर तो चिंता मत करना, तुम भी डीसीडी बनोगे मेरी तरह। और दूसरी बात, एक बार क्या हुआ, एक बार बहुत सारे एक बार क्या सब जगह पे कई लोग वीडियो लाइक कर देते, ये लोग लगे ना लोग ऐसे में फेसबुक लाइक कर देते, तो मेरा साला भी ना अपने केबिन में बैठा था, देख कर रहा था मेरा जीजा क्या कह रहा है। वो देखता है मेरा साला नहीं किया, उसको बहुत झटका लगता है। तो एक दिन उसके सारे सीनियर जूनियर ने सब ने बोला यार सब लोग कमिश्नर हो गए, जूनियर सीनियर हो गए, सब लोग हम तेरे तेरे साले के साथ काम कर रहे हैं, तेरे को हम वक्त तू क्यों नहीं कर लेता? जिस दिन आया मेरे को बोला मेरे को ज्वाइन कर ले, मैं कहा नहीं करूंगा। बोला ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहता? नहीं करूंगा, तेरा ज्वाइनिंग करने से ज्यादा फायदा तेरा नहीं ज्वाइनिंग करने से, क्योंकि तुझे मैं एग्जाम्पल पे रखा हूँ।
इंटेंशन है? नो कर सकते हो कि नहीं? यस एक ही चीज है अपने आप पे भरोसा रखना साहब कितने मिनट हेलो कितने मिनट ए बोलो जितना एक बार क्या हुआ दो बंदर बैठे थे एक डाल पे ये लास्ट स्टोरी एक बंदर दो बंदर बैठे थे डाल पे और नीचे से नदी बह रही थी और नदी बह रही थी तो उस वक्त आकाशवाणी हुई कि इस वक्त इस क्षण जो बंदर इस नदी में कूद जाएगा वो राजकुमार बन के बाहर निकलेगा तब तक जैसे ही आकाशवाणी खत्म हुई तब तक एक झपाक से आवाज आई एक बंदर कूद गया और जब कूद गया तो बाहर किनारे जब निकल रहा था तो राजकुमार बन गया था तो बाल उठ ऐसा पानी नहीं मारे ऐसा मतलब टकाटक हो गया निकला और जैसे निकला तो देखा अभी डाल पे एक और अभी लटका हुआ है बंदर जिसने कहा अरे क्या हुआ भाई तूने क्यों नहीं कूदा वो बोलता है यार मेरे को डाउट हो गया था मतलब क्या डाउट हो गया था अरे यार डाउट ये हो गया था अगर कूद जाता और अगर मैं राजकुमार नहीं बनता तो उसने कहा तो भी तो बंदर ही रहता ना कम वक्त आज भी आकाशवाणी करने में आया डाउट कर लो तो जो राजकुमार बन जाएंगे लोग पूछेंगे क्या भाई तू क्यों नहीं किया था उसी मीटिंग में तो प्रेम राजा था उसमें तो मैं भी था समझ आ गए मेरे को डाउट हो गया था तो डाउट हो गया तो तुम पता है कहाँ रहोगे और डाउट नहीं रहा तो यहाँ के आप रह के बात करोगे राइट एक ही चीज हमेशा ध्यान रखो अपने आप पे बिलीव करो अपने आप पे भरोसा रखो जिंदगी में जितने भी लोगों ने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनके पास सारी सिचुएशन उनके फेवर में नहीं थी बल्कि उस जिंदगी को अपने फेवर में रखने के लिए हर हालात से लड़ने के लिए तैयार थे इसीलिए वो जो है एक एग्जांपल सेट कर पाए सोचो कि अगर मेरी स्ट्रगलफुल स्टोरी नहीं होती आज इतने सारे लोग खड़े हैं बैठे हैं और कहाँ दूर दूर से आए हैं कभी ऐसा होता क्या नहीं थैंक यू गॉड बोलो अपनी जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम और सिचुएशन आज इस घड़ी चल रही है तो भगवान को कहो थैंक यू गॉड तूने ये प्रॉब्लम दी है हम ब्लेस्ड हैं कि हमें प्रॉब्लम दी थी अगर वो प्रॉब्लम नहीं देती तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता ना राइट आज आप प्रॉब्लम कोई जिंदगी में चल रही है तो घबराओ मत सिर्फ टिके रहो सिस्टम को फॉलो करो और जिन्होंने भी आपको यहाँ इन्वाइट किया है वो बहुत ग्रेट अप्लाइंस स्पॉन्सर्स में से हैं और बहुत सारे ग्रेट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं विक्रम मालविया जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए तो मैं फिर करके देखो एक ही ऐसा इंसान है जो आपके माँ बाप के बाद आपके फ्यूचर के बारे में आपकी जिंदगी के बारे में लगातार सोच रहा है मैं जब जयपुर में था तो इन्होंने कहा रिक्वेस्ट करना बताना कि चलो प्रेम जी फ्लाइट से तो तुम यहाँ से निकलोगे जयपुर से निकल जाओगे मुंबई लैंड कर जाओगे लेकिन इस बीच में अगर किसी का भला हो जाए तो मैंने कहा यही तो करने को मैं निकला राइट हजारों लोगों को जो है कि मैंने इस छह दिन में जो है कि टच किया है राइट ये मुझ में कुछ नहीं है मैं कहता हूँ थैंक यू गॉड उस सुप्रीम पावर का जिन्होंने इस काबिल समझा इस लायक बनाया कि किसी की जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं यकीन मानिए आपके सपने पूरे हो सकते हैं मेरे जैसा एक आम इंसान अपने ड्रीम लाइफ वगैरह जी सकता है आप भी जी सकते हैं बिल्डिंग सिस्टम को बेहतरीन ढंग से फॉलो करना अपलाइन का एक हाथ पकड़ लेना जिंदगी में कभी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट तो पहला सेशन और सेकेंड सेशन में मैं बात करूंगा कि क्या आपका माइंड सेट होना चाहिए इस बिजनेस में आपको इस लेवल तक आने के लिए एक बड़े अचीवमेंट्स को लेने के लिए थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट